जनपद गाजियाबाद लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी में पुलिस ने 35 किलो 900 ग्राम गांजे व सेंट्रो कार सहित दो अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जिला कारागार में सुबह खाने की खराब क्वालिटी व साफ सफाई की शिकायत को लेकर बंदियों ने जमकर हंगामा किया। बंदी भूख हड़ताल पर बैठ गए व जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जेल प्रशासन द्वारा आए दिन बंदियों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत की। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य से बंदियों को शासन से मिलने वाली सुविधाओं को देने का निर्देश दिया। मेरठ पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मौके से भारी मात्रा में बने अधभने तमंचे, पिस्टल और कारतूस बरामद किए। इसके अलावा हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए। पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हिंडोन सिटी नई मंडी थाना पुलिस ने देर रात कार्यवाही करते हुए बाईपास स्थित एक पेट्रोल पंप के पास दो जिलों के कुख्यात बदमाश को साथी सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश से एक लोडेड अवैध देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस सहित एक सफेद रंग की बुलेरो गाड़ी बरामद की है। आपको बता दें कि इस बदमाश पे नामजद कई मुकदमे दर्ज है। उत्तर प्रदेश के शाजापुर जिले में एक महिला ने थानाध्यक्ष परोर पर बलात्कार की तहरीर को फाड़ कर मन माफिक तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर बलात्कार के अभियुक्तों को बचाने का प्रयास करने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक शाजापुर के समक्ष इस मामले में उचित कार्यवाही की मांग की है। 5 तारीख को रात में, रात को 10 बजे हम सो रहे थे अपने बच्चों के साथ, तभी किशन पाल मेरे घर में घुस कर दवार फलांग करे थे। मेरे साथ जबरदस्ती थी, जबरदस्ती करने लगे, मेरे गिरफ्तार भी किया। मेरी जब थाना में रिपोर्ट लिखाई जा रहा तो उसने मेरी पूरा रिपोर्ट नहीं लिखा, तभी हमने हिंद तक ले आए।